ये छछुंदर तुझे ऐसा काटेगा ना, बिलक बिलक कर मर जाएगा। लगता है तुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम। ए! हमारे हीरो को तोड़ना आता है फिर वो रिकॉर्ड हो या हड्डियाँ। जान से जाएगा। ए अकड़ू, मैं जो भी खेल खेलता हूँ सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ, और तुझ जैसे कई आए और कई गए, समझा? लग गई 10,000 की, कम ऑन। अपना हीरो ही जीतेगा। आज मुकाबला होगा मस्ती गैंग वर्सेस बस्ती गैंग। पसीने का मुकाबला परफ्यूम से, मसल के रख देंगे। वीर बहादुर लड़का कौन, अपना राजा और कौन? जीते हुए पैसे। बहन का ऑपरेशन करवा देना। मेरी बहन के लिए तूने अपनी जान दांव पे लगाई? अबे मेरी भी तो बहन है। अबे अब क्या भैया को रुलाएगा? चल पार्टी हो जाए, बोतल खोलते। अबे तू नहीं सुधरेगा, चल 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 तल्ले। क्या घर का काम करने के लिए बाई चाहिए? अरे रे, मैं कुंवारों के घर पे काम नहीं करती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब बताना, ये कपड़े इस्त्री कर देना। ये बता, तू कुंवारों के घर काम करने से मना क्यों करती है? इधर सुन, धोने के कपड़े मांगो तो अपने निकाल देते हैं। सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। सुबह ही गाड़ी पटरी पे आती और उसके साथ राम नारायण की याद। वो कौन है? वो कौन है? नकली पी के मुझे तेरे असली बाप का नाम याद है, तू कैसे भूल गया? पापा उनका नाम सूर्य नारायण है। एक पैग अंदर गया और शब्दों का हेर फेर शुरू हो गया। तुझे तो पता है बेटा, 13 सालों से हम दोनों तेरे माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। ये भी गलत कहा तुमने, 13 साल से ये बेटे का फर्ज निभा रहा है। एक ही बात है, 13 साल पहले तुम पीकर रेलवे स्टेशन पर पड़े थे, तब ये तुम्हें उठाकर घर ले आया था। सॉरी बेटा, तुम्हारी माँ इमोशनल होकर मुझे कुछ कहने पे मजबूर कर रही है। क्या कहने पे? बेटा होने का शुक्रिया। यू आर वेलकम। बस करो, कितना पियोगे? पीकर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? इसका मैं क्या करूंगी? तब तक मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, इसकी भी दारू पी जाऊंगा। देखा बेटा, हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। सीरियस मत हो, हमारे घर में हीरे जैसा बेटा है, कुछ नहीं बिकेगा। पीना छोड़ दीजिए ना पापा। बिल्कुल छोड़ देता हूँ, तू बैटिंग छोड़ दे, मैं दारू छोड़ देता हूँ। ये दोनों चीजें इस जन्म में तो होने से रही, बाहर निकलो। हर महीने की 1 तारीख को यहाँ भीख मांगने चला आता है, बोल आज भीख में क्या चाहिए। भाई गरीब की झोली में पैसा डाल दे। तुम्हारा मतलब मैं भी भिखारी हूँ? नहीं नहीं, उसके साथ तेरी बराबरी, वो घर घर भीख मांगता है, तू यही आके मांगता है।
मकान मालिक की इंसल्ट कटा, जल्दी मेरा रेंट निकाल, जेब ढीली कर। रेंट और करंट की बातें अंदर कर, मालिक अंदर है। हड़िया, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दिन में तारे देखने जा रहा हूँ, आता है क्या? शराब इससे दूर भाग सकती है पर ये शराब से नहीं। क्या हुआ अंकल? पूरे 120 महीने का भाड़ा बाकी है, आज मैं वो लिए बिना नहीं जाऊंगा। सही कहा ना? बिल्कुल। आप जानते हैं ना, फिर भी भाड़ा मांग रहे हैं। हर महीने हम बेट लगाते हैं ना। बस हो गया, तुम उल्लू पे उल्लू बनाए जा रहे हो। हर बार तुम बेट लगाते हो, हर बार मैं हार जाता हूँ, किराया माफ हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये हार जीत का खेल खत्म हो और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंकल वो मेरा दिमाग फिराने की कोशिश मत करो बाबू। मैंने योगा करना शुरू कर दिया है ताकि मेरी खोपड़ी डाइवर्ट करके तुम इतना भी चूना ना लगा सको। तो आप भाड़ा लिए बिना नहीं जाएंगे? ना ही मैंने बैट लगाई और ना ही भाड़ा लिए बगैर वापस जाऊंगा। ये आपका फाइनल जवाब है? लॉक कर दिया जाए। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। कस्तूरा आंटी! क्या है राजा? आंटी मेरे बैट के पैसे। मेरी बैट के पैसे मेरी पत्नी क्यों चुकाएगी? आंटी ने कहा था कि आप बैट लगाएंगे, आपने बैट नहीं लगाई इसलिए मैं जीत गया। तुम्हारे बैट ना लगाने की वजह से आज मैं अपनी बैट हार गई। किसी दिन मुझे भी बैट में हारोगे क्या? तुम्हें आखिर बैट लगाने की क्या जरूरत थी? एक नंबर का छोरा कंपनी। एक्शन सीक्वेंस अपने घर पे करना। आंटी बैट के पैसे निकालो। चलो पैसे। अरे मत निकाल, इस महीने का भाड़ा भी हजम कर गया। ये लो राजा। अंकल ये रेंट, ये मेरा हिस्सा। बाय। एक ही बस्ती में अपने सेठ से मस्ती है। कल के मैच में मेरी महिला टीम चन चन कर बदला लेगी तुमसे। एक सड़क छाप से हार गया, लाइफ में जीत से बढ़कर और कोई नशा नहीं है। उसे हरा कर ही रहूंगा, वरना मेरा भी नाम जेम्स नहीं। उससे बदला लेना है पर कैसे? पुरुष मंडली टॉस जीत गई। सुनो महिला मंडल, घर पे वो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, बाहर हम खेलेंगे। बैट को झाड़ू समझने का और बैटिंग करते वक्त झाड़ू मारने का। और बॉलिंग कैसे करने का? अरे जैसे दीवार पर गोबर फेंकती हो। सेंटर गार्ड ला। कटोरी गार्ड है। अगर छक्का नहीं मारा ना तो तेरा चक्का जाम कर दूंगा। हम सब ने देखा, तेरा ध्यान बॉल पे ही था, ज्यादा बॉल मत। तेरा गार्ड गिर गया। हाफ सेंचुरी बना के आऊंगा, विकार मत कर। अरे वो देर दिमाग कहाँ खड़ा है? सॉरी बहन जी, सॉरी। ओके रेडी, एक मिनट आंटी। ए माँ आशीर्वाद दे ताकि मैं सिक्स मारू। आंटी बॉल तो दिखाई नहीं। अब पूरा मैच तेरे हाथ में। आजा सिक्स मार के आजा। ऑल द बेस्ट। ए राजा, बॉल बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। अरे हम लोग संभाल लेंगे, तू टेंशन मत ले। आज मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ देना बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके। हाँ पापा। ए राजा, अगर पसीना है तो मेरी साड़ी से पोंछ लेना। अच्छा? और हाँ, अगर प्यास लगे तो मैं बुझाने को तैयार हूँ। बेस्ट ऑफ लक जानू। अरे रे रे रे, इसे हाथ क्यों मिला रही है? अरे इसकी तो गिल्ली उड़ानी है हमें। चलो चलो अपनी जगह पे जाओ, लड़का देखाने की लाइन मारना चालू। इसका तो मुझे मिडिल स्टैंप लेना है, मेरी भी घंटी बजा। आंटी आपने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे भाग! बॉल नहीं ढूंढ पा रही हो, जल्दी करो। कम ऑन पापा, कम ऑन, कम ऑन बॉस। अरे जल्दी ढूंढो बॉल। पापा नहीं। पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा आके खोलिए। कुछ तो ए एम्बुलेंस बुलाना। पापा आके खोलिए ना। पापा डॉक्टर। हे डॉक्टर। पापा कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर डैमेज हो चुका है। मेडिकल भाषा में उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करके हम उन्हें बचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते?
दवाइयों पर जिंदा रख सकते हैं पर सिर्फ एक महीने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्च आएगा डॉक्टर? तकरीबन 20 लाख रुपए। माँ थोड़ी बिरयानी देना। अरे पापा आप सारा खाना मेरी प्लेट में क्यों डाल रहे हैं? बेटा बुढ़ापे में इन कमजोर दांतों से मैं क्या खा पाऊंगा? पनीर तू खा, चावल मैं। पनीर तू, चावल मैं। चल नखरी मत कर खा। क्या पापा खाना खाइए, मुझे क्यों देख रहे हैं? बस यूं ही बेटा, तुझे देखकर मेरे जीने की चाहत बढ़ जाती है। अपने बाबा की जान बचाना चाहता है। तू यहां क्या कर रहा है? तुझ में कुछ तो बात है बॉस। तू अपनी जबान का पक्का है और तेरा स्टाइल भी हटके है। जब से तुझसे हारा हूं मुझे खुद से नफरत सी हो गई है। मुझे चैन तो तब मिलेगा जब मैं तुझे एक बार हराऊंगा। कम ऑन मैन, आज तक रेस लगाकर तुमने 10-20 हजार रुपए जीते होंगे, लेकिन अगर तुम ये बैट जीत गए तो तुम्हारी जरूरत के 20 लाख मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे बस 1 रुपया देना होगा, पर फिर कभी तुम इस मुंबई शहर में बैटिंग नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? याद रखना, तुम्हारे बैटिंग करने की मुझे भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बैट क्या है? इस बार तुम्हें कोई कार या बाइक की रेस नहीं करनी है बॉस, लव रेस है। एक लड़की को अपने प्यार में फंसाना है। किसी को अपने प्यार में फंसाना है? ये कैसी बैट है? तुम ही कहते हो ना, बैट में किक होनी चाहिए, रिस्क होना चाहिए। पर इसमें रिस्क कौन सा है? रिस्क है लड़की का बाप भवंडर बिहारी। कौन है वो? बारूद है वो। मुझे सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, एक है पैसा, दूसरी मेरी बेटी। मैं पैसा कमाने में थोड़ा मसरूफ क्या रहा, तुम मेरी बेटी के दिल में घर बनाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं अंकल, उसने एक सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब बताया था बस। उसके सवाल का जवाब तुम्हें क्लासरूम में देना चाहिए था, अकेले में ले जाकर नहीं। तुम्हारे पढ़ने का ढंग उसे पसंद है, कहीं तुम्हें वो पसंद करने लगी तो समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की सजा तुझे अपनी जान गंवा कर देनी पड़ेगी।